इस आज़ादी के 75वीं वर्ष को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी कैबिनेट ने इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है। और इस वर्ष के दौरान जितने भी कार्यक्रम संचालित होंगे वो सारे कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही लिए जाएंगे। इसी क्रम में नेहरू आकेंद्र संगठन भी अपने कार्यक्रमों की कड़ी में जो पहला कार्यक्रम लिया था, जिसकी शुरुआत युवा कार्यक्रम खेल मंत्री तथा सूचना प्रसारण मंत्री जो हमारे नेहरू आकेंद्र संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष होते हैं, मैं जिसका उपाध्यक्ष हूँ, उन्होंने 13 अगस्त को नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका नाम था फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। इसके अंतर्गत पूरे देश में नेहरू आकेंद्र संगठन पूरे देश में 744 जिलों में काम करता है। हम पूरे के पूरे 744 जनपदों में और प्रत्येक जनपद की 75 गांव पंचायतों में, जो भी 744 जिले हैं, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उन समस्त 744 जनपदों के 75 गांव पंचायतों में और जिला मुख्यालय पर हर जिले के 75 गांव पंचायतों में और 30,000 शैक्षणिक संस्थाओं में, इनके साथ साथ 30,000 शैक्षणिक संस्थाओं में हम फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने नई दिल्ली में की है। मुझे भी इस अभियान के तहत देश के विभिन्न प्रांतों विभिन्न जनपदों में जाने का अवसर मिला है और उस अभियान में ये भी हमने कहा था कि हर जिले में 75 यूथ शामिल होंगे और हर गांव पंचायत में 75 यूथ जो है शामिल होंगे, दौड़ेंगे। लेकिन आज आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लक्ष्य हमारा मात्र 75 यूथ का था, लेकिन हम हर जगह इससे ज़्यादा युवा दौड़ रहे हैं। कल 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ पर भी कल भारत माता मंदिर से प्रातः 9 बजे की हमारी फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू होगी। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और पूरे देश का नौजवान प्रेरित होकर अपना स्थान और अपना समय वो निर्धारित करे कि उसको कब अपने लिए समय देना है। लेकिन हमारा एक नारा है, माननीय मंत्री जी का एक नारा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि फिटनेस की डोज और आधे घंटे रोज। कितने लोग इसमें शामिल होंगे और ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? इसको हर गांव पंचायत में हमने 75 लोगों को दौड़ने के लिए कहा है, लेकिन ये बताते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही कि हर जगह हमारे इस लक्ष्य से ज़्यादा लोग दौड़ रहे हैं और कल आप वाराणसी में भी आप देखेंगे कि इस लक्ष्य से कहीं ज़्यादा दुगने और 3 गुने से ज़्यादा भी लोग आपको दौड़ते हुए दिखेंगे।